हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोएब और आप देख रहे हैं सोएब टेक। तो आज हम लोग एक्रेलिक लापी बनाएंगे, जो लापी कैसे दीवार पे पुट्टी के ऊपर बनाते हैं, जिसकी मैं आपको पूरा कॉस्टिंग दूंगा कैसे बनती है, कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले आपको चॉक पाउडर ले लेना है, जो 5 किलो या 20 किलो का पैकिंग आता है। ये मैंने डबल डायमंड का लिया है, आप चाहो जो कंपनी का ले सकते हो, आपके यहाँ पर मिलती है, उस हिसाब से आप ले लेना। तो सबसे पहले आपको 1 लीटर के आसपास पानी डाल देना है और इसमें 5 किलो चॉक पाउडर डाल देना है। मैंने 10 किलो लिया है, मुझे ज़्यादा बनाना था इसलिए। आप चाहो तो इसमें और पानी ऐड करके, और दूसरी बोरी है उसको पूरा नहीं डालना है, 1-1.5 किलो के आसपास रख देना है, ताकि हमारी लापी जो बनेगी वो थोड़ी अगर पतली हो जाए तो उसमें डालने के लिए थोड़ा पाउडर साइड में रख देना है। तो देखो, मैंने 1.5 लीटर 2 लीटर पानी डाल के और उसमें चॉक पाउडर डाल दिया। और दो चीज़ें और लेनी है आपको, एक एशियन पेंट का वाइट ऑयल पेंट और दूसरा वार्निश। ये दोनों चीज़ डालने से आपकी एक्रेलिक लापी ज़्यादा मजबूत और हार्ड रहेगी और निकलेगी नहीं आराम से। देख सकते हो आप, वाइट ऑयल पेंट है ये, और ये डिब्बे में वार्निश है, देख लो। अगर ये दोनों कंपनी का डालोगे तो लापी ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा हार्ड रहेगी। और ये लापी कहाँ पे लगती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने पुट्टी करवा ली है तो इसके ऊपर आपको अगर ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो प्राइमर लगा के इसके ऊपर ये लापी लगती है, या तो फिर अगर आपकी नई दीवार है जो रफ दीवार नहीं है उसमें भी आप इसको घिसाई करके और प्राइमर मार के 2 या 3 कोट लापी भर सकते हो। जो पुट्टी में जितना फिनिशिंग नहीं आता है उससे कम 10 गुना ज़्यादा फिनिशिंग इसमें आता है। अगर आप ये लापी भर के कदर मारोगे तो आपकी दीवार बिल्कुल कांच की माफिक दिखेगी। और अगर आप चाहते हो कि आपने वहाँ पे नहीं देखी है लापी कैसे बनाते हैं कैसे किया, तो आप ये लापी बनाने वाला मेरा वीडियो पूरा देख सकते हो। और ये लापी मैंने कहाँ पर भरी अगर आप चाहो तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा, अभी तो इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की होम कलर की सभी टिप्स आपको इसमें दे सकता हूँ। तो देखो सकते हो आप, पहले इसको अच्छी तरह से हिला लेना है लापी को, लापी मिक्स पानी हो जाना चाहिए बिल्कुल। और फिर कम से कम 300 ml तक आपको वाइट ऑयल पेंट डाल देना है। कुल मिला के ये हिसाब है कि 20 kg में 1 लीटर वाइट ऑयल पेंट पड़ता है। तो आप अगर 5 किलो या 7 किलो डाल रहे हो तो उसका हिसाब से डाल देने का। मैंने 9 किलो 8 किलो लापी बनाई है तो कम से कम 400 ml 300 ml तक वाइट कलर डाला है, ताकि लापी एकदम हार्ड हो जाए और निकलेगी नहीं। और वैसे आप जितना डालो इतना डाल सकते हो, लापी एकदम हार्ड बनेगी, उसकी कभी पपड़ी नहीं गिरेगी। और दोनों साथ में नहीं डालना है, पहले आपको वाइट कलर इसमें डाल के एकदम से उसको मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद ही आपको वार्निश डालना है। सबसे पहले पानी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, जो पॉट में कहीं दिखना नहीं चाहिए पानी। पानी मिक्स करने के बाद ही कलर डाल। अभी देखो मैंने वार्निश डाला है, ये भी कम से कम 300 ml 400 ml के बीच में मैं डाल दूंगा इसमें। फिर उसको भी आपको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। वार्निश से दीवार में चमक अच्छी आती है, बहुत मस्त चमकता है इससे। वैसे वार्निश आप नहीं डालो तो भी चलेगी, पर लापी अगर आपकी मस्त चमकेगी और हार्ड भी हो जाती है काफ़ी परसेंट तक। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मैं इसी तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी लापी एकदम मस्त तरह से बन गई है। अभी थोड़ा इसको हिला के, और अगर आपको चाहो तो इसमें थोड़ा और पानी डाल सकते हो। अगर आप जब मिक्स कर रहे हो तब आपका हाथ पता चल जाएगा आपको कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आपको 2 या 3 हाथ भरनी है तो आप थोड़ा पानी डाल के पहले से ही लापी को पतली कर ही रखो तो अच्छी रहेगी, तो लापी अच्छी बनेगी। मेरे को 3 हाथ लापी मारनी है इसलिए मैं थोड़ी इसको पतली रखूँगा, मैंने इसीलिए पानी इसमें ज़्यादा। अगर आपको 1 हाथ लापी मारनी है
तो थोड़ा पानी कम डालो तो थोड़ी आग चले होगी तो भी चलेगी। तो अब हमारा सब कुछ मिक्स हो गया है, आप देख सकते हो हमारी लापी अच्छे से बन गई है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। और मैंने इसको कैसे भरा है अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करोगे तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।